हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया और मजे में होंगे। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं नहा धो कर के आ चुकी हूँ और घर की साफ़ सफाई भी सब हो चुकी है। तो यहाँ पर बर्तन धुल कर रखे थे तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा पानी गिराया है तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। और तब तक ये भी आ गए हैं और इनको जाना है तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज इडली, क्योंकि सूर्यांशी कह रही हैं इडली बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं सूजी की इडली बनाऊँगी इंस्टेंट वाली। तो मैंने सूजी घोल करके रख ली है, ये देखिए। इसमें थोड़े से नमक, नींबू, चीनी और बस हल्का फुल्का कुछ डालेंगे और बना रेडी हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा मैंने दही डाला है, दही ज़्यादा नहीं था क्योंकि आजकल गर्मी पड़ रही है और दही ज़्यादा खर्च भी होता है। तो फटाफट से इसको हम बना लेते हैं। तो मेरे पास इनो भी नहीं है तो मैं सोडा डाल करके बना लेती हूँ। तो ये बैटर देखिए हमने तैयार कर लिया है। तो सूजी की रेसिपी तो हर बार मैंने शेयर की है तो इसलिए आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मैं फटाफट से रेडी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म इडली खाने के लिए। हमारे यहाँ फ्राई कोई नहीं खाता है तो मैं बॉयल इडली बनाऊँगी। तो फटाफट से स्टैंड में लगा देते हैं। इधर स्टीम भी हमारी रेडी हो चुकी है। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उधर मुझे दवा थोड़ी सी रिएक्शन कर गई थी, उसकी वजह से बॉडी में काफ़ी स्वेलिंग आ गई है। उसकी भी मेडिसिन मैं लेकर आई हूँ और कल आज फिर रात में जाऊँगी। तो इसलिए ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर रही कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पैरों में भी सूजन काफ़ी आ गई है तो खड़े होने में दिक्कत भी हो रही है। तो बस ये चाहिए, हमारा इडली स्टैंड लग चुका है, स्टीम भी बन गई है, फटाफट से बन गई, बन जाएगी भी 6 से 7 मिनट में रेडी हो जाएगी। मैं बनाने जा रही हूँ खाने के लिए चटनी। तो मैं आम की चटनी बनाऊँगी इडली के साथ खाने के लिए और सूर्यांशी को खानी आज इडली। और सुबह का बज रहा है 9:30। फटाफट से चटनी बना लेते हैं, इडली हमारी रेडी हो रही है, आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट। तो ये आम के सीजन का पहली चटनी बना रही हूँ मैं। तो ये मैं आम मंगवाई थी इनसे, तो फटाफट से इसको हम छील करके कट कर लेते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी आजकल तबीयत ठीक नहीं है। तो इसमें मैंने छोटा सा एक आम लिया है, धनिया लिए, धनिया पत्ता और 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और चीनी। बस सिंपल सी मैं चटनी बना कर तैयार कर दूँगी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करूँगी इसमें कि बिल्कुल हो नहीं रहा है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और प्यार दीजिएगा अपना। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है मैंने और ग्राइंड कर लिया है। तो ये खट्टी मीठी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। वरना मैं इडली के साथ अलग ही चटनी बनाती थी लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है। तो ये देखिए सुंदर सी चटपटी सी चटनी तैयार है और यहाँ पे इडली भी हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए इसको प्लेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इडली को निकालती हूँ स्टैंड से। तो मैं नीचे रख देती हूँ प्रेशर कुकर को ताकि इजली निकल जाए। तो ये देखिए काफ़ी इजली बन जाती हैं, काफ़ी दिक्कत भी नहीं होती है और फटाफट से बन जाती हैं। तो मैं फटाफट से यही बना देती हूँ, बच्चों को भी पसंद है, दोनों बच्चे खा लेते हैं हमारे और बनी भी अच्छी हैं, बिना इनों के भी बन जाती हैं ये देखिए। और हेल्दी है, सूजी तो वैसे भी हेल्दी होती है। और चलिए प्लेटिंग लग गई है, आ जाइए आप लोग। तो सॉस है और आम की चटनी है और ये इडलियाँ हैं। तो एक बार की मैंने और स्टैंड में लगा दी है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, इडली तैयार है सुबह के ब्रेकफास्ट में और अभी 9:30 बज गया है और आप लोग आ जाइए फटाफट से इडली खाने के लिए। तो मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी, बिल्कुल बॉइल ही सबको पसंद है। तो ये आम की मैंगो की चटनी है और ये सॉस है टमाटो और मैंने कुछ नहीं बनाया है। और प्रिपेयर भी देखती हूँ क्या बनाती हूँ, आप लोग भी आ जाइए फटाफट से इडली खाते हैं। तो इडली खाने के बाद मिलते हैं, तो चलिए आ जाइए आप लोग भी और सूर्यांशी भी जा रही है खाने के लिए। खोलो इसको जाइए, यहाँ पर ये बहुत नाटक करते हैं। ऐसी खा के बताओ, तुम बताओ। हमें इडली में मज़ा नहीं आता। खा के देखो बढ़िया बनी है। इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।